जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। यस, वो घड़ी आ गई जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। यस, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये तीनों लोगों को दिल्ली की एजेंसी ने बुलाया है। बुलावा आ गया, समन आ गया है। अब आगे का क्या होना है, पूरा केस क्या है सुशांत सिंह राजपूत के केस में, बाकी सारी चीजें सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आपसे, जो हमेशा मैं करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे लोगों के पास पहुँचेगा और भी लोग हमारे केस में जुड़ेंगे, सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ जल्दी मिलेगा, यही मेरी इच्छा है। चलो मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये पूरा मामला। आपको पता है आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये तीनों एक तरह से इतने बने हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे को बहुत लोग छोड़ के चले गए। एकनाथ शिंदे भी गए, उन्होंने तो पार्टी बना ली, बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया, वो सब हो गया। एकनाथ उद्धव सरकार का, शिवसेना का सिंबल भी गया, उनका नाम भी चला गया। क्योंकि ये सब बहुत सारे पुराने कर्म है ना। ये संजय राउत ने क्या क्या बोला था आपको पता है ना, सुशांत के केस में क्या क्या बोला था, उनके पिता से बहनों से बातें नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें बोली थी संजय राउत ने, ये ऑन कैमरा है। और उसके बाद उद्धव सरकार ने भी क्या क्या कि मुंबई पुलिस काम अच्छे से कर रही है, ये करना है वो करना है। उसके बाद बीजेपी हर तरह से अनिल देशमुख, सचिन वाजे, परमवीर सिंह सबके ऊपर लगी हुई है और ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन अब मेन ये जो तीनों आदमी थे, संजय राउत को तो जेल में डालना आसान भी था, लेकिन वो चलो बाहर आ गया, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे और संजय राउत, चलो संजय राउत भी है इसमें, लेकिन उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को समन आना ये कितनी बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक तो यही बताया जा रहा था ना, क्योंकि शिवसेना के भी, मतलब उद्धव सेना के भी लोग यही बोलते थे, भाई कुछ आया क्या, सीबीआई तो आपकी है, एजेंसी तो आपकी है, हाई कोर्ट आपका है, सुप्रीम कोर्ट आपका है, सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से है, वो एक्शन क्यों नहीं ले रही। तो वो एक्शन तब, मैंने आपको कई बार बताया था, एक्शन तब लिया जाता है बड़े इंसान की तरफ जब उनकी पावर खत्म हो जाए। पावर तो थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है, सिंबल गया, नाम गया, बहुत सारे लोग चले गए। जब पावर खत्म हो जाती है ना, तो उनके पीछे की बैकग्राउंड जो पावर होती है ना, वो भी बोलते हैं अब इसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि दुनिया तो ऐसी है भाई, गलत लोगों की संगत ऐसी ही होती है, जो उनके पीछे गलत पावर होती है ना, वो भी देखती है अब आपके पास बचा क्या है, हम आपको सपोर्ट क्यों करेंगे भाई। तो जब पूरी पावर खत्म होती हो तो ऐसा उठा के जेल में डाल दिया जाता है, ये होती है बेसिकली, इंडिया में ऐसा ही होता है। तो अब किस मामले में आया, आपको पता होगा एकनाथ शिंदे के गट में एक नाम है, आपको पता होगा राहुल रमेश शेवाले, उनके ऊपर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे इन्होंने, और संजय राउत भी, उन्होंने एकनाथ शिंदे को सीधा सीधा बोला था कि तुम फ्रॉड हो, तुमने घोटाले किए और ये किए और ऐसे किए। तो राहुल शेवाले एकनाथ शिंदे के गट से आए और उन्होंने डेफिमेशन केस किया था। मैं बताऊंगा सुशांत के केस की भी बताऊंगा बात। तो वो डेफिमेशन केस के बारे में हाई कोर्ट दिल्ली से समन आया उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत तीनों को। और अब ये बोला, वहाँ बुलाया गया प्रॉपर लिया, वरना नहीं बुलाया जाता, बड़े बड़े लोगों को बोलता है चलो ठीक है, वकील बहुत सारी चीज़ें कर देती है, बीमार है, ये है, बिजी है, ये हो, और उनके मैनेजर जाके काम कर लेते हैं या वकील काम कर लेता है। लेकिन इस बार बुलाया गया और बोला गया 30 दिन के अंदर आपने ट्विटर पर इधर उधर और वहाँ जहाँ जहाँ बोला है उसके आप रिमूवल करोगे या नहीं करोगे वो सारे पोस्ट, तो और आपकी बातें वापस लोगे या नहीं लोगे, इस बारे में आप 30 दिन के अंदर आपके बारे आपको क्या कहना है ये लिख के दो, तो आगे का केस चलेंगे। अगर वो मना करेंगे तो फिर आगे के केस चलेंगे, फिर साबित करके दिखाओ। क्योंकि भाई बीजेपी हो गई है कड़क, बीजेपी राहुल गांधी को भी करेगी, मुझे तो लगता है केजरीवाल भी जाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बोल रहे हैं केजरीवाल, और ये उद्धव सरकार और इन्होंने तो बहुत पहले से पंगा लिया है, तो ये एक एक करके होने वाला है। अब बात करूँगा सुशांत सिंह राजपूत के केस में हाईकोर्ट के बारे में, सीबीआई के अपडेट मैंने किसी और वीडियो में बताइए, आप जाके देख सकते हैं। हाई कोर्ट के बारे में ये कि आपको पता नहीं 3 केसेस चल रही है हाई कोर्ट में, उसके भी बारे में मैंने डिटेल बताया, शॉर्टकट में बता देता हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में हाई कोर्ट में 3 केसेस चल रहे हैं, एक सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी वो अलग बात है, हाई कोर्ट में किस किस ने क्या क्या अप्लाई किया। सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन है जो लॉयर है, वो 302 पे अड़े हुए हैं, वो सही कर रहे हैं, 302 पे अड़े हुए, उनकी वजह से एक बार सीबीआई ऑफिसर्स भी चेंज हुए हैं। एक ऑलरेडी एक पटना के दूसरे लॉयर है तो त्यागी या हाँ, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ये 306 का मामला है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, और इसके बारे में वो रिया का नाम नहीं डालते, उसमें सलमान, आदित्य चोपड़ा, दिनेश विजयन, भूषण कुमार, एकता कपूर, ऐसे संजय लीला बंसाली, इन सब के नाम उन्होंने डाले हैं, पूरे 9 लोगों की लिस्ट है। ये बिल्कुल ही अलग केस है, ये तो बहुत पहले ही खारिज हो चुका था, लेकिन केस अभी भी चल रहा है, केस वो भी कोर्ट में है, लेकिन
मीडिया से और बाकी लोगों से मुद्दा ये खारिज हो चुका है, लेकिन फिर भी वो केस लड़ रहे हैं। वो किस वजह से पता नहीं, उनको ही पता है। एक फैमिली ने जो डाला है केस, वो 306 का है, जिसमें रिया चक्रवर्ती मेन नाम है और किसी का नाम उसमें नहीं है। रिया चक्रवर्ती उसकी फैमिली का नाम है। अब CBI अगर बताएगी 302, तो फिर वो केस आगे उसके साथ CBI के साथ मिलके वो केस चलेगा। अगर CBI 302 बोलती थी तो फैमिली का 306 का केस सीधा कन्वर्ट होके 302 में जाएगा, क्योंकि फैमिली भी इस तरह से बोल रही है कि कुछ तो करना था ना 302 के लिए, हमारे पास वैसा कुछ स्ट्रांग सबूत चाहिए जो उनके पास नहीं था, मुंबई पुलिस ने क्या क्या किया आपको पता है। उसके बाद क्योंकि 306 फिर कुछ ना कुछ तो अप्लाई करना था, तो 306 उन्होंने क्या, ऐसा उनका कहना है। अब देखते हैं कि CBI क्या बोलती है। जिस तरह से मुझे देख रहा है, समन बुलाया जा रहा है एक एक को, बीजेपी बड़ी स्ट्रांग हो गई है भाई। बीजेपी अब किसी की भी इंसान को अंदर डाल सकती है जो उनके खिलाफ पार्टी में है। इस बारे में आपको क्या कहना है, क्या होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस का क्या होगा, क्या बीजेपी राइट डायरेक्शन में काम कर रही है, या सिर्फ बीजेपी अपना फायदा देख रही है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म कर रही है, जैसे केजरीवाल को हो गया या इसको हो गया उसको हो गया, इस बारे में आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। और ऐसे वीडियोज़ के साथ मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।